राजधानी दिल्ली में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे, लेकिन एक बार फिर अस्पतालों में हालात नाजुक दिख रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में बिस्तर फुल हो चुके हैं। इन अस्पतालों में बिस्तरों का संकट पैदा हो चुका है। आपको बता दें कि भले ही कोरोना के मरीज इतने नहीं हैं, लेकिन डेंगू और अन्य समस्याओं से जुड़े मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम के अनुसार इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मरीज सामने आए हैं, जो कि बीते दो वर्षों में सबसे अधिक हैं। वहीं आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टर विजय गुज्जर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि उनका दोस्त दिल्ली के सभी अस्पतालों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उनकी मां को कहीं भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। वह एम्स के आपातकालीन विभाग में भी पहुंचा था, लेकिन यहां भी बेड नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने अपील की है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएं।